नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं 6 दिनों में फिल्म ने 67 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म को मिल रही सफलता के बीच टीम ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां आलिया, रणवीर सिंह, धर्मेंद्र और करण जौहर जैसे सितारों ने शिरकत की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब आलिया बाहर निकलने लगी तो उसी बीच उन्होंने पूजा भट्ट का भी जिक्र किया। जी हां, पेपराजी ने आलिया से बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में पूजा भट्ट के जीत को लेकर सवाल किया, जिस पर आलिया ने जवाब देते हुए कहा, वो वहां है, वही मेरे लिए जीत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आलिया अपनी कार की तरफ रवाना हो रही होती हैं और उसी दौरान पूजा भट्ट को लेकर वो रिएक्ट कर देती हैं। आलिया काफी खूबसूरत लग रही हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सुंदर सी साड़ी में पहुंची, जिसमें वो खूब अच्छी लग रही हैं। वहीं कुछ समय पहले आलिया भट्ट ने बिग बॉस ओटीटी 2 पर रिएक्ट करते हुए अपने 3 पसंदीदा कंटेस्टेंट का खुलासा किया था। यूट्यूबर एल्विश यादव आलिया के फेवरेट कंटेस्टेंट में शामिल हैं। वहीं एल्विश का सेंस ऑफ ह्यूमर आलिया को पसंद है। उन्हें मनीषा का अनोखा अंदाज भी अच्छा लगता है और वो आलिया की फेवरेट कंटेस्टेंट है। इन दोनों के अलावा तीसरा नाम बहन पूजा भट्ट का है, जो आलिया के लिए काफी खास हैं। बहरहाल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात करें तो ये एक रोम कॉम फिल्मी ड्रामा फिल्म है, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया है और फिल्म लोगों को पसंद भी आ रही है। उसके अलावा इसका एक गाना वार झुमका भी जो है लोगों का दिल जीत रही है और ये गाना सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोग जो है रॉकी और रानी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। उसकी कमाई भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़ रही है और उसके जो गाने हैं एक से बढ़कर एक हैं और लगातार ट्रेंडिंग में, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। आपको रॉकी और रानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पूजा भट्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।